मोदी 3.0 की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दूं कि कल ही जो है सो मोदी के मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा चुका है और कोडरमा से जो सांसद अन्नपूर्णा देवी जो यहाँ से जीत के गई हैं उनको महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जब मंत्री मंत्रिमंडल में मिलने के बाद जो है यहाँ के जो लोग हैं उनमें खासा उत्साह अगर उत्साह है वो कहीं कहीं दोगुना नजर आ रहा है। मतलब कुछ लोग हैं उनसे जानते हैं कि अन्नपूर्णा जी के मंत्री को मंत्रिमंडल मिलने के अंदर कितनी खुशी और क्या क्या उनकी जो है सो आकांक्षाएं हैं। सर अन्नपूर्णा देवी को मंत्रिमंडल पहली बार कोडरमा से किसी महिला को या किसी सांसद को मंत्रिमंडल कैबिनेट जगह मिली है, कितनी खुशी है? सबसे पहले तो हम बधाई देना चाहेंगे यहाँ के सांसद श्रीमती अन्नपूर्णा देवी को, और मैडम को हम लोगों ने बहुत नजदीक से देखा है, उनकी प्रतिभा को देखा है। हम सभी को इतना खुशी है जिसका व्यक्त करना लगेगा कि नहीं, हम अंदर से खुश हैं। और दूसरी बात, पहली बार कोडरमा सांसद क्षेत्र में बाल विकास मंत्रालय या फिर कैबिनेट का कभी किसी को दिया गया है, तो अपेक्षाएं सभी को है। और हमें लगता है कि मैडम हर वो जो बाधा है वो बहुत ही हंसते हंसते दूर कर लेंगे। जी बिल्कुल, हमारे कुछ और भी लोग हैं मैडम को महिला बाल विकास मंत्रालय, आप एक महिला है, कितनी उम्मीद है, क्या क्या उम्मीद आपने संजो के रखी है कि मैडम को कितनी खुशी है? आज सबसे पहले तो कोडरमा की राजनीति का स्वर्णिम काल आया। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे यहाँ केंद्रीय मंत्री बन के आई है मैडम, और जो आज उन्हें बाल विकास मंत्रालय मिला है, महिला बाल विकास मंत्रालय, तो हमें पूरा अच्छे से पता है कि बहुत ही जल्द हर एक समस्याओं का समाधान होगा, महिला के विकास के लिए भी कई कार्य होंगे। साथ ही मैं कोडरमा की जनता को भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मैडम पे विश्वास किया और उन्हें 4,00,000 मतों से विजयी बनाया। साथ में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमारी मंत्री पे विश्वास करके उन्हें मंत्री पद दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम को जगह मिली है मंत्रिमंडल में, कितनी खुशी और क्या क्या उम्मीदें हैं कि मैडम इस बार जो है बहुत बड़ा कैबिनेट में जगह मिला है, तो कितनी आशाएं हैं, क्या क्या? कोडरमा संसदीय क्षेत्र की जनता उनकी जीत पर पहले से ही मोहर लगा चुकी है 4,00,000 वोट से। वो कोडरमा की राजनीति की धुर उतार रहा है और यह कोडरमा का स्वर्णिम काल आया है कि लगातार 2 बार कोडरमा क्षेत्र से कोई केंद्रीय मंत्री बनी है, तो ये पूर्ण विश्वास है कि कोडरमा क्षेत्र की प्रगति बहुत तेज होगी और जो भी लोगों की आशाएं है वो बहुत जल्द पूर्ण होगी, ये पूर्ण विश्वास है यहाँ की जनता को। और महिला विकास मंत्री जो मिला है, महिला के क्षेत्र में उत्थान में बहुत कार्य होगा, बाल विकास जो होता है उसके क्षेत्र में जो बच्चों का कुपोषण वगैरह उसमें हमारी जो मंत्री महोदया पहले से ही जागरूक है और बहुत ही अच्छा काम करेगी, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ की जनता को और हमारी माननीय प्रधानमंत्री माननीय अन्नपूर्णा देवी जी। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं कितनी खुशी है, क्या उम्मीद है? कोडरमा जिले के सभी जनताओं बहुत खुशी है, लेकिन अब जब कैबिनेट मंत्री माननीय अन्नपूर्णा जी को मिला है, यहाँ एक सबसे बड़ी समस्या जो है कोडरमा हॉस्पिटल की, जो 7-8 साल से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो उद्घाटन किया गया है और आए दिन गरीब जनता जो है स्वास्थ्य के लिए बाहर आज भी जाना पड़ता है, उनकी पहली प्राथमिकता होना चाहिए कैबिनेट मंत्री में कि कोडरमा हॉस्पिटल का जीर्णोद्धार हो जाए और पानी बिजली की जो समस्या है इस पर पूर्ण रूप से ये अपने स्तर से जनता को यहाँ पे राहत दिलवा दे। कुछ और युवा साथी भी हैं, क्या उम्मीदें हैं पहले राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री? नहीं, बहुत ही खुशी का माहौल है पूरे कोडरमा के लिए कि यहाँ की महिला नेत्री, यहाँ की सांसद महोदया आज कैबिनेट मंत्री बन गई है, यानी 23 के टॉप जो लीडर्स है आज उसमें अन्नपूर्णा जी आ गई है। और यह इस क्षेत्र के लिए इसलिए भी ज्यादा खुशी की बात है कि जो डेवलपमेंट यहाँ चूक गए थे वो डेवलपमेंट करने का बहुत अच्छा मौका मिला है, और जल्दी उनके बनने पर एक खुशी का बात ये भी आया कि बांगेटी से तिलैया को और आसपास के इलाकों को जोड़ दिया जा रहा है पावर प्लांट से, ताकि यहाँ 24 घंटे बिजली मिल सकेगी। पानी की भी समस्या पे काफी अच्छा काम मैडम के माध्यम से हो रहा है, शिक्षा के भी क्षेत्र में काफी अच्छा काम हो रहा है, और ये एक ऐसी नेत्री है जो कोडरमा को दिन दुनी रात चौगुनी डेवलप कर सकती है। हर व्यक्ति इनसे जुड़ा हुआ अनुभव करता है, आपको कोई भी कष्ट हो आप एक फोन कीजिए, आपको तुरंत रिप्लाई मिलता है, आप मिलेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान होता है। तो इनका यहाँ पहुंचना हम सभी के लिए गर्व की बात है, और माननीय प्रधानमंत्री हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर इस क्षेत्र का जो विकास होगा वो अभूतपूर्व होगा और कोडरमा आने वाले दिनों में चमन बन जाएगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ कुछ छोटे व्यापारी भी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। मैडम को कैबिनेट में जगह मिला है,
कितनी खुशी है? बहुत खुश है, कोडरमा के लिए बहुत अच्छी बात है। ये हमारे कोडरमा लोकसभा में पहले राज्य मंत्री थे, अब कैबिनेट मंत्री के तौर पर देख रहे हैं, बहुत विकास होगा हमारे कोडरमा। कितना उम्मीद है, क्या क्या आशाएं हैं मैडम से? मैडम से बहुत आशा है, विकास की गंगा बहेगी। जी बिल्कुल, तो आपने देखा कि यहाँ पर जो लोग हैं वो काफी उत्साहित है, काफी खुश है, और उनके जो है सो पास जो है सो कुछ ना कुछ जो यहाँ पर है उनको, हालांकि कुछ लोग काफी उम्मीदें हैं, रोजगार हो, चाहे यहाँ जो शिक्षा है, चाहे यहाँ के जो विकास की बातें हैं, वो सभी चीजों को लेकर के यहाँ पर लोग उत्साहित है। कहीं कहीं उनका डिमांड भी है कि मैडम इस बार चूंकि बहुत बड़ा पद मिला है तो कहीं ना कहीं जो है सो हमारी जो इच्छाएं हैं, जो कि जो विकास के काम अभी रुकी हुई थी या नहीं हो पाई थी, वो इस कार्यकाल में वो पूरा करेंगे। 99 न्यूज के लिए कोडरमा से पीयूष।